नमस्ते फ्रेंड्स, प्रीति के चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ़ैन का कवर, जो टेबल कवर होता है या वह हैंगिंग फ़ैन का कवर होता है, वो कैसे बनाते हैं उसकी मैं आज कटिंग और स्टिचिंग आपको बताती हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास कॉटन के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। जो भी ड्रेस वगैरह होता है, जो भी कपड़ा निकलता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसे देखिए, मैंने फोर फोल्ड में ऐसे बिछा लिया है। अब फोर फोल्ड में बिछाने के बाद यहाँ कोने से हमें इसकी लेंथ लेनी है 7 इंच की और मार्किंग करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लेंथ 7 इंच ले लिया और इस तरह से गोलाई शेप दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा सर्कल कुछ तैयार हो गया है। अब देखिए, जो ये दूसरा कपड़ा है, इसमें हम चौड़ी पट्टी को निकालेंगे। तो चौड़ी पट्टी को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अच्छे से लाइन ड्रॉ करने के बाद जो इसकी लेंथ होगी वो ले लेंगे हम 6.5 इंच। देखिए, तो 6.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करके फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और इसी तरह से जो भी हमारा वेस्टेज जो कपड़ा है, उसमें से ऐसी चौड़ी पट्टी को हम निकाल लेंगे। तो देखिए, जो भी कपड़ा था उसमें से देखिए मैंने इस तरह से कुछ पट्टियों को निकाल लिया है। अब इसे हम अटैच करेंगे ये सर्कल के अंदर जो हमने बनाया है। उससे पहले देखिए, हम सेंटर में इस तरह से कुछ स्क्वायर शेप में देखिए कपड़े को कट करके ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अब सिलाई कर ली है। अब ये जो सर्कल है उसे हम मेजर कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो उसके लिए देखिए, इस तरह से हम पहले चौक से मार्किंग कर लेंगे। मार्क करने के बाद इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से घुमा के देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए, ये हमारी आ गई है 44 इंचेस। तो 44 इंचेस की हमें पट्टी तैयार करनी है। अब पहले सारी पट्टियों को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने सारी पट्टियों को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए, डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम ले लेते हैं 22 इंच की मार्किंग करेंगे। 44 का हाफ 22 इंच हो जाता है और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा दे देंगे। साइड से हम सिलाई कर लेंगे उसके लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, कटिंग करने के बाद अब हमें इसमें क्या करना है, नीचे से देखिए, हम पहले देखिए इस तरह से देखिए चौड़ी पट्टी रखेंगे ताकि इसके अंदर हमारी जो इलास्टिक है वो आसानी से चली जाए। तो देखिए, ये हमारी कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ 2 से 2.5 इंच जितनी पट्टी को कट किया है। अब नीचे से हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ऐसी कुछ पट्टियाँ बना लेंगे, प्लेटें वगैरह बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ प्लेटे वाली लेस तैयार कर ली है। अब इसे जो हमने बनाया है सर्कल, यहाँ पे पहले इसके अटैच कर लेंगे। देखिए, अच्छे से इसके ऐसे रख के और फिर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली है। और अब जो ये हमने पट्टी को कट किया था, चौड़ी वाली पट्टी, तो उसे देखिए यहाँ पर ऐसे रख के चारों ओर अब हम सिलाई कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई भी कर ली है। देखिए, ये कुछ ऐसा हमारा दिख रहा है फैन का कवर। देखिए, अब हम यहाँ पर इलास्टिक को इसके अंदर डालेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इलास्टिक को ले लिया है और इस तरह से हम सुई की मदद से अब यहाँ पर इलास्टिक को इसके अंदर डाल लेंगे। अब देखिए, इलास्टिक को हमने इस तरह से निकाल लिया है और अच्छे से इसे एडजस्ट कर लेंगे पहले इलास्टिक को, और फिर उसके बाद इस तरह से हम गार्ड बांध देंगे इसके अंदर। देखिए अच्छे से, और जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसे कट कर लेंगे और अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। तो ये जो हमारा फ़ैन का कवर है, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए, बहुत ही झटपट बन जाता है, बहुत ही इजी है। और जो भी वेस्टेज कपड़ा होता है, उसी से ही हमें इसको बनाना है। अब ये कवर को मैं फ़ैन में पहना के दिखाती हूँ। देखिए, ये रहा हमारा फ़ैन का कवर। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एक ज़रूर कर देना, और एंड तक मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।